गाइस आप लोगों को पता है कि मैंने आज तक किसी भी फोन का अनबॉक्सिंग नहीं किया हूँ, तो उससे मेरा क्या फायदा। तो चलिए आज कर लेते हैं, आप लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो, नहीं होना चाहिए। तो चलिए जल्द से जल्द वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फोन लेके आते हैं। तो गाइस देख सकते हैं आ गया हमारे पास फोन। तो चलिए इसको पहले बाहर निकालते हैं, अभी तक का सबसे महंगा है ना, इसके चलते बहुत ज्यादा खुशी हो रहा है इसको खोलने में। आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। तो ये हमारा खुल गया और ये हमारा रहा वीवो का टी सीरीज फोन। इसका नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, वीवो T2X 5G फोन अंडर 1400। तो चलिए इसको पहले बाहर निकालते हैं फोन को। ये रहा हमारा फोन, बाहर आ जाइए जल्दी, देख सकते हैं ये हमारा फोन है। तो सबसे पहले तो फोन ही आ जाता है, लेकिन फोन के बारे में बाद में, सबसे पहले हम बात करेंगे इन सब चीजों के बारे में। एक यहाँ कवर मिल जाता है पूरा मुलायम है, देख सकते हैं। और बता दू ये सब मैनुअल का, जिससे हम लोग सिलेबस तो कम्प्लीट करवा नहीं करते, फिर से क्या करेंगे। 18 वाट का चार्जर मिल जाता है हमें, और ये रहा केबल टाइप टू केबल। तो हमें मिल जाता है केबल जो फोन को और चार्जर को एक साथ जोड़ने में काम आता है। अच्छा, हमको सिखा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे टाइप सी केबल है। और अब फोन के बारे में बात करते हैं। तो चलिए गाइस अभी से हम इस कवर से आजाद करते हैं इस फोन को और दिखाते हैं इसके बारे में जो कुछ भी फ्यूचर है, हम बात करते हैं इसके बारे में। बाहर नहीं आ रहा है। हाँ, ये देखिए हमारा फोन, तो कुछ इस प्रकार से इसका फोन देख सकते हैं। अभी मैं इसको ऑन करता हूँ, तब तक हम इस फोन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा प्लास्टिक का दिया हुआ है, इसका बैक पैनल प्लास्टिक का पूरा। और लाइट में आते ही ये गोरिल्ला, मतलब क्या बोलते हैं उसको, गिरगिट की तरह रंग बदल देता है। और एक बात बताऊँ, ये 3 कलर में आ जाता है ये फोन, मुझे यही कलर पसंद आया, इसके चलते मैं इसी कलर को लिया हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं लाइट के कारण ये काफी ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट को। और यहाँ पे वीवो का ब्रांडिंग किया हुआ है, देख सकते हैं। और इसके कैमरा की बात करें तो मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा विथ फ्लैश लाइट, LED फ्लैश लाइट है, देख सकते हैं। और अब बात करते हैं इसके सेल्फी कैमरा का। सेल्फी कैमरा यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का दिया हुआ है, तो कॉर्नर इसका राउंडेड और यहाँ से पूरा फ्लैट दिया गया है। और इधर देख सकते हैं जस्ट इधर राइट साइड में ऑन ऑफ और ऑन का बटन दिया हुआ है। और इधर से अब जस्ट ऊपर वॉल्यूम का, जस्ट ऊपर वॉल्यूम अप और डाउन का बटन दिया हुआ है। अब बात करते हैं इसके सिम स्लॉट के कि कितना सिम लगा सकते हैं इसमें से। जस्ट ऊपर सेकेंडरी माइक मिल जाता है और यहाँ से अब सिम ट्रे मिल जाता है, जिसमें हम देखने वाले हैं कि क्या क्या इसके साथ मतलब एक साथ में लगा सकते हैं। बाहर आ जा भाई, बाहर नहीं आ रहा। यहाँ पे आप एक सिम और एक चिप लगा सकते हैं, मेमोरी कार्ड, और 2 सिम लगा सकते हैं आप, तीनों चीज़ें एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं। बॉटम की बात करें तो 3.5mm की ऑडियो जैक और प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर देखने को मिल जाता है हमें। तो गाइस इस फोन को हम अभी खोल लिए हैं, दिखाते हैं आप लोगों को। और इसका फुल ब्राइटनेस हम कर लेते हैं, तो ब्राइटनेस इसका काफ़ी ज़्यादा है, जिससे आप आउटडोर में भी काफ़ी अच्छे से इसको यूज़ कर पाएंगे। और इसका बता दूं कि ये वैसे यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा फालतू, मतलब अपने से ही वो ऐप को दे देता है। आप इसे अनइंस्टॉल करके आप प्ले स्टोर से और भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका रिफ्रेश रेट का बात करें तो 60Hz का रिफ्रेश रेट दिया हुआ है, जिसमें अगर 90Hz का रहता तो काफ़ी बेहतर रहता, फिर भी ठीक है 12000 के, मतलब 12000 में भी आ जाएगा। और गाइस इसकी डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले इसका 6.72 IPS LED डिस्प्ले देखने को हमें मिल जाता है। और गाइस इसका ब्राइटनेस की बात करें तो 680 nits का ब्राइटनेस दिया हुआ है, जो काफ़ी मतलब आउटडोर में कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है यूज करने में, आप यूज कर सकते हो आउटडोर में भी। गाइस इस फोन में डिस्प्ले में अगर आप बेजल्स की बात करें तो बेजल्स बहुत कम दिया हुआ है, ना के बराबर इसका बेजल्स है, इसमें ना के बराबर बेजल्स दिया हुआ है। विजल्स ना होने का हमें ये फायदा होता है ना, किसी भी सॉन्ग वगैरह को या वीडियो वगैरह को आप देख रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है हमें देखने में, तो विजल्स ना हो बहुत कम है इसमें बेडल्स, आप विजल्स आप लोग देख सकते हैं। वैसे अगर कैमरे की बात करें तो कैमरा को आप अगर पीछे से करते हैं, पीछे का कैमरा यूज करते हैं, तो आप वहाँ पे 1080 30 FPS में देखने को मिल जाता है, देख सकते हैं यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को।
और बात करूं तो यहाँ पे आप अगर YouTube में वीडियो वगैरह या फिल्म वगैरह जो कुछ भी देखोगे तो आप 240p पर आप देख सकते हो, उससे ज़्यादा आप नहीं देख सकते इसमें। और अगर नॉर्मली आप यूज करते हैं घर में, नॉर्मली फिल्म वगैरह देखते हैं, थोड़ा बहुत गेम वगैरह खेलते हैं, तो कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। जिसको बहुत जल्दी हीट भी फोन नहीं होता, लैग से भी देखने को नहीं मिलता है। पर अगर आप गेम खेलते हो 4-5 घंटा तक गेम खेलते हो तो इसमें गर्म भी हो जाता है फोन और काफ़ी ज़्यादा लैग्स देखने को मिल जाता है। इसका बैटरी का बात करो तो 5000 mAh का बैटरी का, जिसे आप नॉर्मली यूज करो तो दिन भर में एक बार चार्ज करने के बाद आप अच्छे से यूज कर पाओगे। और अगर गेम वगैरह खेलते हैं तो आपको 2 बार चार्ज करने की जरूरत पड़ेगा। और जितने रेट में दिया हुआ, जिस रेट में दिया इस 5G को फोन को, रेट में काफ़ी ज़्यादा अच्छा फोन दिया है। तो आप इस फोन को ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। तो गाइस मुझे ये फोन पसंद आया, नॉर्मली यूज करना चाहता हूँ, जिस रेट में दिया उस रेट में काफी ज्यादा अच्छा फोन दिया है। तो वीडियो को अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि और भी वीडियो आप तक पहुंच सके और मैं नए नए प्रोडक्ट को अनबॉक्स करके आप लोगों को दिखा सकूं। चलिए आप वीडियो को एंड करते हैं, बाकी आप लोगों को समझ में आएगा क्या करना है इसमें।